नाग देवता की पूजा करने को प्रयागराज में स्थित नागवासुकी मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। भगवान नागवासुकी को दूध से अभिषेक करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। नाग पंचमी पर वैसे तो पूरे देश में नागों की पूजा की जा रही है, लेकिन प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर में पूजा का विशेष विधान है। धर्म और आस्था की नगरी संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर स्थित है। प्रयागराज में संगम किनारे सदियों से नागों के राजा नागवासुकी विराजमान हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वह नागवासुकी का दर्शन न कर लें। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वही नागवासुकी है जो महादेव के कंठ में लिपटे हैं। ये वही नागवासुकी है जिन्होंने समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभाई थी। मान्यता है कि नागपंचमी पर नागवासुकी के दर्शन से काल सर्प दोष और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि इस विशेष दिन नागवासुकी के दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। भगवान वासुकी का नागपंचमी का पर्व वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये सदियों से ये पर्व मनाया जाता है। सभी श्रद्धालु भगवान वासुकी के आस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान वासुकी को जो है फूल प्रसाद जो है दूध अर्पण करते हैं। भगवान वासुकी से अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुकी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं के समुद्र तट पर स्थित राक्षसों और असुरों ने नागवासुकी को सुमेरु में लपेटकर उनके प्रयोग के बारे में बताया था, जहां समुद्र तट पर मठ के बाद नागराज वासुकी पर्वत लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कथन पर उन्होंने यही कहा था जगह को आरामदायक बनाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वह प्रयागराज जाकर सरस्वती का जल ग्रहण करेंगे तो उनके जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की बात मानकर नागवासुकी प्रयागराज की पावन धरती पर आए और उन्होंने सरस्वती का जल ग्रहण किया। शारीरिक कष्ट खत्म होने के बाद वह यही वास करने लगे। इसी कारण से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। जो भी सावन मास में नागवासुकी का दर्शन पूजन करता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने देवताओं से यह भी कहा था कि नागवासुकी की पूजा के बिना प्रयागराज के दर्शन अधूरे रहेंगे, जिसको सभी देवी देवताओं ने स्वीकार भी किया। यही वजह है कि तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने आए श्रद्धालु आज भी संगम किनारे दारागंज में स्थित नागवासुकी के दर्शन करने पहुँचते हैं।